रिपोर्ट कहाँ है? अरे जज साहब, कोर्ट का द्वारा क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, आप जज साहब हैं, आप जज बन के आए थे ना? देखिए सब मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे, पता नहीं घर वाले नाराज चल रहे होंगे, फोन भी स्विच ऑफ आ रहे, सब भी इम्पोर्टेंट कर लिया मैं, क्योंकि मुझे एक हफ्ते का समय दे दिया आप, मैंने मुझे अपने घर पे रख लिया था, पर मेरे को एक हफ्ते का समय दे दिया, मैं इनका एक एक रुपया दे दूँ। पैसे किस बात के ऊपर ले लिया आपने? मैं इनके साथ में रहता था ना, तो ये खर्चा वर्चा जो होता था वो यही देते थे, तो गाड़ी वाड़ी का सब भी लोग बहुत अच्छा लड़का हूँ आप, मैंने चाहे गाँव चल के देख लीजिए, इंदौर में भी हमारा मकान है, सब कुछ है, लेकिन सर मम्मी पापा को पता नहीं ऐसे नाराज़ चल रहे हैं, चाचा वगैरह भी नाराज़ चल रहे हैं इसलिए सर, लेकिन मेरा सर भविष्य बर्बाद हो जाएगा, अगर आपसे निवेदन है सर, अगर मेरे को एक हफ्ते पैसे वापस करेंगे आप, एक हफ्ते के अंदर अगर आप भले मुझे यहाँ अपने घर ही रखिए बोल रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर अगर पैसे नहीं वापस हो तो आप जो चाहे वो कर, ये लोग मेरी एक भी बात मानने को तैयार हो, बताइए सर अगर मेरे को जेल भी भेज देंगे तो ज़्यादा ज़्यादा 406 खाया होगी अमानत में खाया, 406 में दो दिन में बेल होने का प्रावधान है, तो फिर सर फिर क्या उससे इन्हें हासिल हो जाएगा? ये चलो बात है, ये मेरे को मजिस्ट्रेट का उसका वो बता रहे हैं लगभग, मजिस्ट्रेट में इनके खिलाफ क्या एविडेंस है, क्या दिखा देंगे? मेरे पास जो बैंड है, मेरा जो कोर्ट है, वो मैंने LLB लॉ कर रखा है, वो चीज़ लगाने का मुझे प्रावधान है, बताइए 406 ये लगवा भी देंगे तो दो दिन के अंदर मेरी बेल हो जाएगी, तो क्योंकि फायदा, लेकिन मैं इस चीज़ का वचन मत दूँ, आप स्टाम्प लगवा लीजिए मुझसे, मुझसे चेक ले लीजिए, मैं एक एक पैसे कर दूँगा, एक एक पैसा, लेकिन ये है कि हाँ अगर मैं अपने उससे अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इनका एक रुपया भी नहीं होगा, बस मेरा ऐसा मुकदमा खत्म करवाने से क्या होगा सर? कल से मैं पानी तक नहीं पिया सर, दो दिन होगा ना कुछ खाया ना कुछ, यहाँ पे सर डाल रखा रात में पुलिस वाले, बस इतना ही तो है ना, मैंने आपसे उधार पैसे लिए तो मैं देने को तैयार तो हूँ ना, मैं मना करूँ तो आप मुकदमा, आप लेट हो सकते, एक एक रुपया दे दूँगा। चलो बात करता हूँ, एक आदमी को पकड़ा है जो बेसिकली मूल रूप से इटावा का, फिर मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसने दो लोगों को हायर किया जो रिटायर्ड फौज के हैं, और उनको एज ए PSO अपना रखा था, जो प्राथमिक पूछताछ में पता चला है, और वो चूँकि सिक्योरिटी में थे तो उनकी एज ए पर्सनल सिक्योरिटी अफसर वहाँ पर रहे, फिर उन्होंने एक गाड़ी को हायर किया, गाड़ी को हायर करने के बाद उसको ले गए काफ़ी दूर तक, उसको 3-4 दिन तक यूज़ किया, और उनसे और उनके ATM से उन्होंने पैसे लिए, इनको डाउट हुआ कि जिसकी हम ड्यूटी कर रहे हैं वास्तव में मजिस्ट्रेट नहीं है, फिर इनको शक हुआ, फिर इन्होंने पुलिस को कंप्लेन करी कि इस तरीके से है, और इनका जो है बेसिक वेरीफाई किया जाए, फिर पुलिस ने उसको पूरा जब डिटेल तहकीकात की तो पहले पुलिस पे भी उन्होंने दौर जमाने का प्रयास किया, वो बताने का प्रयास किया कि हमने पहले भी किया है, लेकिन जब डिटेल जब तहकीकात की तो पता चला कि टोटल फ्रॉड है, और ये व्यक्ति अपराधी है, और जिसने क्रिमिनल एक्ट किया है, जिसपे हमने 420, 467, 468 का मुकदमा लिख करके कार्रवाई कर रहे हैं, और इन्होंने पहले कहाँ कहाँ पर किया है यही बातें आई है, उस पर हम डिटेल इसको कर रहे हैं, तो एक तरीके से गंभीर अपराध है अपने को किसी पद का किसी नाम का बताना और उस पद का नाम का दुरुपयोग करना और उसके आधार पे पब्लिक को चीट करना। नीली बत्ती लगाकर जा रहे थे? हाँ नहीं, बेसिक रूप से वही मैं कह रहा हूँ ना कि इन्होंने अपराध किया है, वो सभी धाराओं में हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि कभी कभी विश्वास में लोग नहीं समझ पाते हैं कि जैसे उनको डाउट हुआ उन्होंने इस बात को हमने उस पर सख्त एक्शन दिया। ठीक है।